तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे पे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक ऐसी बाइक जो कि अपने सेगमेंट में एकदम काफ़ी खूबसूरत, दिखने में भी और भागने में भी काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पल्सर N160 की, ना कि NS160। बिकॉज NS160 में उसका सामने का ही हेडलैम्प से ही अलग है, उसका अलग है। और इसमें DRL दे दिया गया है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये कौन सी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल चैनल ABS और एक डुअल चैनल ABS। तो ये है टॉप वेरिएंट डुअल चैनल ABS। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके DRL लाइट में। तो इसमें DRL में मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाई हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं हम इसके हेडलैम्प में, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया हुआ है जिसका लाइट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके टायर में, तो फ्रंट टायर 18 इंच और बैक टायर भी 18 इंच का दिया गया हुआ है। और फ्रंट में देख लेंगे तो 100mm का है और बैक में देखेंगे तो हम इसमें हमको 130mm मिल जाता है। साइड से देखें तो इसमें हल्का लेंथ भी बढ़ा दिया गया हुआ है ऐसा लग रहा है। और इसका एलॉय भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक NS160। उसके बाद हम चलते हैं अब गाड़ी के फुट रेस्ट पे। तो हमको गाड़ी के फुट रेस्ट आराम से वैसे ही नॉर्मल जैसे सब में मिलता है वैसे मिल जाता है। और इसमें खास बात, अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड जनरेट करता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो में एंड तक के बने रहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल सा NS160 जैसे वैसे ही N160 नॉर्मल से इसमें दिया गया हुआ है। और ये ब्लैक और वाइट इसमें जो दिया गया हुआ है काफ़ी अच्छा है, जैसे कि पल्सर का बैजिंग जो रहता है वो है ही। और ये जो साइड में वाइट एंड ब्लैक ग्रे के ऊपर दिया गया हुआ है इससे और अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं पल्सर N160 का ब्लैक कलर, इसमें आपको मिल जाता है 3 कलर, जैसे कि आपको रेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा एंड सिल्वर ग्रे मिल जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ, तो पीछे का भी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया हुआ है। इसके लाइट में आ जाए तो 10 लैंप इसमें मिल जाता है। और उसके बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन भी दिया गया हुआ है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर हमको मिल जाएगा इसमें हाइलोजन लाइट, बट मैंने उसको अभी चेंज करवा दिया है। और इसका एक्सटीरियर लुक आप सभी के सामने है। अब इसके साइड में फुटरेस्ट में आ जाते हैं, तो ये लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बेकार दिया गया हुआ है, जैसे कि उसमें फुटरेस्ट लेडीज़ लोगों का नहीं मिला है। उसके बाद अगर हम गाड़ी पे आ जाएं तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी गंदी है, अभी अभी गंदी हुई है, बट मैं सोचा वीडियो बना लूँ उसके बाद फिर धुला लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके इसमें जो डिक्की ओपन करने के लिए वो मिल जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सीट पे, तो इसका सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, मोटे लोगों के लिए भी और पतले लोगों के लिए भी। और पीछे का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया हुआ है। और ये क्यों दिया हुआ है ये आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई सामने से अचानक से ब्रेक लगाया तो सामने वाले लौंडे का तो समझ ही रहे होंगे, आप चलाने वाले जान ही रहे हैं। उसके बाद हमको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं जो कि इसमें क्या क्या दिया गया हुआ है, इसमें सब कुछ आप देख लीजिए। इसमें मुझे NS के मुकाबले एक चीज़ एक्स्ट्रा लगा, जो कि इसमें गेयर का सिस्टम जो दिया गया हुआ है, गेयर कितना दिखता है, कितना लगा हुआ है। जैसे कि हमने ऑन किया तो इसमें अब देखिए आपको दिखेगा अभी 0 गेयर पे है न्यूट्रल। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका आपको साउंड सुनाते हैं एग्जॉस्ट बेली का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। तो आप सुन लीजिए दोस्तों इसका साउंड, अभी हम आपको इसको घुमा के दिखा देते हैं। उसके बाद इसका एक और चीज़ दिखाना है जो कि मैं लास्ट में दिखाऊँगा, जो कि मैंने मॉडिफिकेशन करवाया है वो आपको दिखाऊँगा। तो अब इसका साउंड आप सुन लीजिए दोस्तों, अभी आपको ये बेसिक सा साउंड लग रहा होगा, अभी हम इसको एक्सीलरेट करके आपको सुना देते हैं कैसा साउंड है। दोस्तों इसका साउंड जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगा मेरे को। और उसके बाद दोस्तों आपको इसका साउंड कैसे लगा ये आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं जो बोल रहा था लास्ट में दिखाऊंगा, वो जो है मैंने मॉडिफिकेशन जो करवाया है अपने DRL लाइट का, उसको मैंने बोला कि लास्ट में दिखाऊंगा। तो आप दोस्तों अब देख लीजिए और ये आपको इसका कैसा लुक लग रहा है ये आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है ये मेरे को बताइएगा। और इसका अब आपको लास्ट में लाइट दिखा देते हैं जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आपको इस गाड़ी का लुक कैसा लगा और ये जो मैंने DRL करवाया है कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।